और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन टूल्स के बारे में। काफी यूनिक वीडियो होने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार सर, क्या हाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया जी। तो आज के वीडियो में सर क्या दिखाने जा रहे हैं? सर आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं चेन सॉ गार्डन टूल्स में चेन सॉ एक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं सर। ठीक है, हमारे पास जो रेंज है वो दिखाएंगे। इसमें पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और कुछ अटैचमेंट के साथ बनने वाले चेन सॉ भी हम दिखाएंगे सर। तो सबसे पहले फिर कौन सा प्रोडक्ट दिखाएंगे सर? सर सबसे पहले सर हम आपको जो बेसिक चलता है पेट्रोल वाला दिखाएंगे सर। ठीक है जी, तो थोड़ा बताएं सर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में। सर ये जो आपका है पेट्रोल चेन सॉ है, 22 इंच चेन है इसकी। ठीक है जी। ठीक है, इसमें ये 62 cc का इंजन है। ठीक है जी, पेट्रोल इंजन है, 62 cc का इंजन है जी सर। ठीक है जी, इसमें आपको पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल मिक्स करके डालना होता है। ठीक है सर। और इसका ये जो किक है, इससे आप खींच के जैसे जनरेटर, छोटे जनरेटर होते हैं स्टार्ट करते हैं, वैसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं और आपका ये काम स्टार्ट है। बहुत लाइट वेट है लेकिन काम में हैवी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये किन भाइयों के लिए बेनिफिशियल है इसको परचेज करना? सर ये हर तरह के, जैसे लकड़ी चीरनी है, ठीक है, जिसने पेड़ काटने हैं, घर पे किसी को जरूरत है वहाँ पे लगा सकता है। ठीक है जी। ठीक है, प्रोफेशनल यूज करना है चाहे इसको हॉबी यूज करना है, हॉबी यूज करना, हर तरह के बंदा इसको यूज कर सकता है। ठीक है सर, और कोई बेनिफिट इस सर? इसके बेनिफिट बहुत हैं सर जी। एक तो पेट्रोल इंजन होने के कारण जी, ये आप रिमोट एरियाज में जैसे पहाड़ों पे, जंगलों में, जहाँ पे आपको काटने जाना है, छीलने जाना है, लकड़ी लेके जाना है, वहाँ पे ये आप जा सकते हैं इसको लेके। ठीक है सर। ठीक है, इसमें अब इससे भी हैवी मशीन आती है हमारे पास, एलिफेंट प्रो मॉडल। अच्छा, ये उस वाले मॉडल से और है? हाँ, आगे का मॉडल है जी। जी सर जी। ठीक है, इसमें सर काफी अच्छी हैवी ड्यूटी मशीन है ये भी। इसमें क्या फर्क क्या आ जाता है, इसका जो किक है वो मेटल की आती है, इसमें प्लास्टिक की आती है। ठीक है, आप जब भी जाएं मार्केट में जी, हमारा प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, ठीक है, आप अपने दुकानदार से किसी से पूछने के लिए पहले पता करें कि हाँ सर आपके पास ये मेटल वाली किक है या आपके पास प्लास्टिक वाली किक है। और इंजन कितना है? ठीक है, इंजन 62 cc है कि 58 cc है कि 55 cc है? ठीक है, इसमें काफी कुछ नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है। ठीक है, थोड़ा बेसिक कंट्रोल्स के बारे में बता दें सर कि किस तरह से कैसे रहेगा? सर बहुत इजी है, नॉर्मल यहाँ से ऑन ऑफ होता है इंजन का। ठीक है जी, और इसको जब आपने करना है, अब आपको बच्चा भी इसको पकड़ लेता है गलती से तो ये चलेगा, ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं जब तक ये एक लीवर नीचे नहीं जाएगा। ये सेफ्टी फीचर, ये सेफ्टी फीचर दे रखा है। ठीक है सर। ठीक है, जो इसमें पेट्रोल डालते हैं सर उसमें कोई स्पेशल हमने करना हो इसमें? कुछ नहीं सर, सिंपल पेट्रोल और जो स्कूटर में जैसे वेस्पा में या हम उसमें चेतक में डालते थे, टूटी ऑयल डालते हैं साथ में, वो टूटी ऑयल डालना है आपको। ठीक है सर, बाकी कोई और बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो थोड़ा प्राइस रेंज क्लियर करें सर दोनों की भी, किस रेट में पड़ेंगे? प्राइस रेंज सर बहुत ही रीजनेबल है सर। ये जो 62 cc का सर ये 5,500 रुपए का मिलेगा सर आपको, सिर्फ 5,500 रुपए में, प्लस टैक्सेस और प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग से रहेंगे। ठीक है जी, फिर बहुत रीजनेबल रेट है सर। जी बिल्कुल सर, 62 cc का आपको इस रेंज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा जी। ठीक है जी, फिर और ये आ जाता है, ये आपका कॉस्ट करेगा 7,000 रुपए में, 7,000 रुपए जी। ठीक है जी, तो मोटा मोटा अच्छे ब्रांड का आप देखोगे ना सर, आपको 15-16 हज़ार से कम नहीं मिलेगा ये वाला मॉडल। ये नहीं, मैंने देखे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स में रेट नॉर्मल जो यही बेसिक रेट है जो 15-18 हज़ार की रेंज में। जी 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 सर। ठीक है, तो दूसरा जो मोटे मोटे डिफरेंस की बात करें किक का, इसमें आपने डिफरेंस बता दिया, बॉडी थोड़ी हैवी है इसकी उससे जी सर, ये वाला डिफरेंस आ गया। ठीक है सर, तो प्राइस का ऑलमोस्ट इसमें 1500-2000 रुपए का फर्क है सर, फर्क है जी, तो ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन क्वालिटी का वैसे फर्क है, क्वालिटी का भी फर्क है जी। ठीक है, अगर किसी को ये ऑप्शन हो कि उसने वो पेट्रोल में नहीं लेना, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैंने रिमोट में काम नहीं करना। पहले एक्चुअली होता था सिर्फ पेट्रोल में ही आते थे हमारे पास जी, लेकिन अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक में भी 22 इंच का चेन सॉ आ गया है। अरे मैंने ये पहले छोटे साइज में ही देखे हैं, ये छोटे साइज में तो आते हैं हमारे पास जी, 16 इंच का आता है। ठीक है सर। ठीक है, 16 इंच का आपका तकरीबन 3,500 रुपए कॉस्ट करता है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक में हम लेके आए हैं सर। ठीक है, प्रो मॉडल है, हैवी ड्यूटी मॉडल है, 2500 वाट की मशीन है इसमें सर, 2500 वाट की मशीन है, हैवी ड्यूटी मशीन है सर, रेगुलर काम कर सकता है बंदा। मशीन देख के पता लग रहा है सर जी, सर ये काफी हैवी ड्यूटी मशीन है, अगर स्टैंडिंग वगैरह का भी देखें कि रखने का भी हिसाब बहुत अच्छा है। देखिए आप प्रॉपर फ्लैप तक देखा कि स्टैंड प्रॉपर पर लगेगा, बिल्कुल सर बिल्कुल जी। तो ये सर किस रेंज में रहेगा? ये भी सर आपको 5,500 में हम दे देंगे सर, 5,500 में जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो दोस्तों प्राइस आपको मैंने बता दी, 2500 वाट की मशीन 5,500 में सर, 5,500 में प्लस टैक्स प्लस डिलीवरी चार्जेस। और सर ये तो हो गए प्रोफेशनल वाले,
जी सर जी। किसी बंदे को चाहिए कि घर में एक दो पेड़ है, कभी लकड़ी उकड़ी काटनी है, हॉबी वर्क के लिए रखना है, हमारे पास ये आता है। इसके बाद जो आपका एक एंगल ग्राइंडर, घर पे एंगल ग्राइंडर है ना सर, ठीक है, उसके साथ ये अटैचमेंट लग जाती है। ठीक है, तो मतलब चाहे तो आदमी अटैचमेंट अलग से परचेज कर लें। बिल्कुल, अगर अकेली अटैचमेंट ले सकते हैं जिसकी कीमत सिर्फ 650 रुपए है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ 650, सिर्फ 650 रुपए सर। सर ऑनलाइन में तो 1500 का बिक रहा है सर, ऑनलाइन में बिल्कुल बिक रहा है सर, हम 650 में देंगे आपको। हम पहले बोलते हैं ऑनलाइन से बहुत सस्ते हैं हम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें अगर आपके पास 4 इंची का एंगल ग्राइंडर नहीं है दोस्तों, तो एंगल ग्राइंडर के बारे में बता देते हैं कि 4 इंची में हमारे पास एलिफेंट ब्रांड की जो ब्रांड है उसका एंगल ग्राइंडर है, तो हमारा वही इस पे अभी फिट किया हुआ है। ये एलिफेंट ब्रांड का एंगल ग्राइंडर है, ठीक है, इसके ऊपर ये फिट किया हुआ है। और सबसे बड़ा बेनिफिट सर इसका ये है कि आदमी इससे नॉर्मल कटिंग का काम भी कर सकता है, ठीक है जी, और इससे इसका काम भी ले सकता है। इससे हर तरह का सर, छोटी मोटी लकड़ी काटनी है अपने घर पे, आपकी झाड़ियां बड़ी हो गई उनको काटना है, कोई पेड़ है जिसको भाई ज्यादा आपके आगे आ रहा है काट दो, आपके पास सस्ता जुगाड़, आपके ग्राइंडर पड़ा है हमारे पास, ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये तो गांव देहात के लिए बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत ज्यादा अच्छी। अब इसके एंगल ग्राइंडर के साथ हमारे पास एक दो अटैचमेंट्स और हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर वो अटैचमेंट्स भी दिखाएंगे। तो सर ये तो हो गया, अब हम बात कर रहे हैं गांव देहात की। अभी बात मैंने शुरू की तो गांव देहात के लिए वो ब्रश कटर दिखाएं अपने पास जो पड़ा है। जी सर, मैं आपको ब्रश कटर वो दिखा देता हूँ। ये है हमारा ब्रश कटर, ठीक है जी, ये ब्रश कटर है जी, ये ब्रश कटर है। इसके साथ हमारे पास ये ब्लेड आता है और इसके साथ ये वायर वाला भी आता है, ठीक है, घास काटना, घास काटना हो बिल्कुल, झाड़ी काटनी हो ये इसके साथ झाड़ी काट सकता है। सबसे बड़ी बात सर, ये 4-स्ट्रोक इंजन वाला है सर, ये बंदा नहीं भाई 4-स्ट्रोक इंजन वाला, ये ब्रश कटर 4-स्ट्रोक इंजन वाला है, ठीक है। तो यहाँ इसकी मोबिलिटी है, पीछे बहुत बढ़िया से ये पैडिंग दे रखी है, प्रॉपर इसमें बैकपैक है, आप अपने कंधों पे टांग के पीछे जैसे बस्ता टांगते हैं वैसे लेके जा सकते हैं। आपको कोई ये नहीं होगा कि हाँ ये भाई भारी लग रहा है, कुछ उठाना मुश्किल है, बहुत इजी तरीके से आप इसको लेके जा सकते हैं सर। ठीक है सर, कीमत बता दें, इसकी वीडियो बनाएंगे प्रॉपर डिटेल में कि किस तरह से काम करेगा कैसे होगा, तो इसका आप कीमत बता दें इस वीडियो में। सर बहुत ही रीजनेबल, 8,500 रुपये। 8,500 रुपये, ठीक है। अब दूसरा सर अपना वही सवाल कि डिलीवरी कहाँ पे? सर डिलीवरी लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी, और आप इसको हमारे प्रीपेड ऑर्डर ही लेते हैं हम, ठीक है। कृपया, हमें कई कस्टमर पूछते हैं कि सर पेमेंट बाद में देंगे, लेकिन हमारा प्रीपेड ऑर्डर ही होता है और आप इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे 24 आवर्स में हम शिपिंग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है सर। तो थोड़ा लोकेशन बता दें सर, अपनी शॉप की एड्रेस भी बता दें सर। नंबर तो आपका नीचे लिखा आ ही रहा है जी। लोकेशन हमारी है लुधियाना गिल रोड सेंट्रल मार्केट, महाराजा इंजीनियरिंग टूल्स के नाम पे हमारा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। आप कभी भी आए मोस्ट वेलकम, जी आया हूँ। तो दोस्तों बाकी की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, ठीक है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको गार्डन टूल्स के बारे में चेन सॉज दिखाए हैं और ब्रश कटर दिखाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। बाकी कोई भी चैनल रिलेटेड सुझाव हो, जहाँ इन प्रोडक्ट्स को आप खरीदना चाहते हो, तो मैंने वीडियो के बीच यहाँ स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ पे कॉल कर सकते हो। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने नंबर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी और डिटेल ले सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और टूल की वीडियो में। टिल देन गुड बाय।